हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो स्वागत है आपका एक मेरे एक नए ब्लॉग में। सुबह सुबह ही गर्मी अपने चरम पर अपना रौद्र रूप दिखाती है। अभी तक तो गर्मी थी नहीं, लेकिन अब है तो इतनी ज़्यादा है कि बाइक से आना जाना मुश्किल हो गया, तो हर जगह गाड़ी ले जाके चलना पड़ रहा है। तो आज फिलहाल तो हम जा रहे हैं काम पे, कुछ मशीनों को सामान की जरूरत है तो सामान लेने जा रहे हैं दिल्ली। जैसे कि देखा गर्मी ने हद कर रखी है तो अपने गाड़ी निकाल ली, अब गाड़ी चल रहे हैं क्योंकि बाइक से तो हमारे बस की है नहीं। पसीने आप देख रहे होंगे किस तरह से पानी निकलता हुआ, और हम नागरिक नहाने के बाद में इतना पसीना आ रहा है कि बस। तो आज चल रहे हैं हम दिल्ली। अभी तक तो दोस्तों गर्मी थी नहीं, लेकिन गर्मी अब है तो इतनी ज़्यादा हो गई एकदम से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया है और इस हिसाब लोगों का पसीना निकलता हुआ। और हम फाइनली गाड़ी पर सवारी करते हुए अभी घर हो गया है। घर से मम्मी से पैसे लेके आए और लेके मैं निकल गया हूँ। तो इस बार ना थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, क्या ही दिनों से घर के अंदर ही कैद थे हम, तो अब बाहर निकल रहे हैं फाइनली। और नाश्ता कुछ किया नहीं है, कोई बात नहीं आगे कर लेंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो ऐसे में पानी ज़्यादा होता है। दोस्तों मैं बैठा हूँ एसी के अंदर, फिर भी मुझे गर्मी लगती हुई, फिर भी पसीना दोबारा कंटिन्यू आते हुए। और ऐसे में लोग जो ये ठेले वेले बेचारे निकलते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पता नहीं कैसे खेच पाते हैं यार, इनका भी मेहनत का काम है। हम जैसे लोग चलो ठीक है, माँ बाप के राज में मजे ले रहे हैं हम अभी, तो गाड़ी वाड़ी से ऐश करते हैं थोड़ी सी, और नाम तो खुद तो अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। पता नहीं कोई लड़की होती तो अब तक तब तक चैनल कितनी बार सब्सक्राइब कर चुके होते, लेकिन हम लोग लड़के ना, हम लोगों को तो बस ये मेहनत करो तब कुछ होगा। कोई सब्सक्राइब नहीं करता हमारे चैनल को, ना लाइक करना, वीडियो देख करता, कुछ नहीं करता अभी। चलो कोई नहीं, हमें मेहनत करनी है, हम कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, तो मेहनत करते रहिए, लेकिन एक दिन कामयाबी तो मिलेगी। अभी जैसे कि जाम देखते हुए बढ़ता रोड पर ट्रैफिक होता हुआ बिल्कुल, सुबह सुबह के टाइम है, फिर सुबह भी काम पर लोग निकलते हैं तो ट्रैफिक तो रोड पर आएगा ही, ऐसी गर्मी में कौन निकलना चाहेगा, वरना सब लोग अपने घर में एसी चला के बैठेंगे। और हम भी अपने आए हैं, चलो कुछ कर लेते हैं, काफ़ी दिनों अंदर बैठ के बोर हो गए हम, ना ही जिम जा पा रहे, एक महीने ही हो गए इस बार तो जिम को जाते जाते कंटिन्यू। छुट्टी इस बार बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, तो अब सोचते हैं एक आध दिन में जिम से दोबारा से कंटिन्यू करा जाए, क्योंकि महीने के अंदर कई डेथ होगी घर के अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है, लोग वहाँ इतनी जल्दी कम उम्र में क्यों जा रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती हुई, और गाइस थोड़ा माफ़ करें क्योंकि हमारे स्पीकर में कुछ आवाज़ कम आती है, अभी पैसों की तंगी है इस वजह से फ़ोन नहीं ले पाऊँ, जैसे मैं तंगी खत्म हो जाएगी पैसों की तो यार नया फ़ोन ले लूँगा, अभी कुछ परेशानी चल रही है इसलिए फ़ोन नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, तब हम ट्राई करते रहेंगे एक ना एक दिन तो हमारे पास भी आईफोन होगा, आप लोगों के साथ रहा तो ज़रूर होगा, आप लोग सबका साथ देते, मेरे साथ क्यों नहीं देंगे। तीस टाइम बाजार लग रहा है यार, कमाल है यार, इस उसमें बाजार लोग कैसे कर सकते हैं खरीदारी, लोग जाते हुए आते हुए एकदम गर्मी में कैसे ही लोग खरीदारी कर लेते हैं इतनी, देखिए गर्मी देखना बाहर और भीड़ देखो लोगों की। इसमें पता नहीं ऐसा क्या आइटम जिनको मिल रहा है जिनके लिए टूट रही है भीड़, ये वो भी इतनी गर्मी के अंदर, हद है यार, लेकिन क्या करें, जिसको जो काम वो काम तो करेगा ही, उनको ज़रूरत होगी किसी चीज़ की तब वो कर रहे हैं।
और हम भी अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए जाते हुए। मैं तो यार गर्मी में बैठे हुए एसी में बैठो, फ्री पसीने आ रहे हैं पता नहीं क्यों। बहुत बढ़िया, लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए, अपने आप को ना देखते हुए, दूसरे को ना देखते हुए, खुद तो मरना ही है दूसरों को मार देना है। और इन एरियों में तो बुरा हाल है, ट्रैफिक रूल को कोई फॉलो नहीं करता कोई भी बंदा। अपनी जान की परवाह तो है नहीं, दूसरे की भी नहीं है यार। चलो हम तो आराम आराम से अपनी मंजिल की तरफ चलते हुए चुपचाप साइलेंटली धीरे धीरे, होले 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 हो जाएगा प्यार ये सचना, होले होले हो जाएगा प्यार। ये बस वाले कहीं भी ब्रेक मार देते हैं कहीं पर भी बहन के। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए जमुना के पुल पे, और अब धीरे 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 अपने गाड़ी निकालते हुए, कई तरफ से कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक तरफ लोहे का पुल दूसरा बन रहा है साइड में, और ये बन ही रहा है, पता नहीं कब बनेगा, कितने साल हो गए इसको चलते चलते। पुराने टाइम की चीज़ें थी आज भी ऐसी की ऐसी, अंग्रेजी टाइम की जो चीज़ें हैं ना कितनी लाइफ लॉन्ग थी और अब तक चल रही हैं। इस पुल में कहीं पर कुछ नहीं है अभी तक भी, ऐसा मजबूत स्ट्रक्चर था उस टाइम का जो आज भी है, एकदम मजबूत खड़ा हुआ है। और वहीं हम अगर बराबर में देखें हमारे वाला, तो उसका काम चल ही रहा है अभी तक। फिर हमारे यहाँ के काम भी बड़े स्लो हैं, इतने फास्ट काम करता ही नहीं है, और सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कोई करता भी है तो कोई करने नहीं देता। वाह वाह वाह, अभी हम पहुंच गए दिल्ली के जमुना बाजार, और यहाँ पे ये पीर बाबा हैं, कोई बहुत फेमस है यहाँ पे, बहुत मान्यता है इनकी, और काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं दिल्ली के अंदर, ये भी उनमें से एक है। ये जमुना बाजार का नीचे अंडरपास है, यहाँ से निकलते हुए ऐसी गर्मी में इन बेचारों जो इनके नीचे रहते हैं इनका बड़ा आसरा मिलता है, इनका छाया का गर्मी से काफ़ी राहत देते हैं, बेचारे रह तो पाते कम से कम। मतलब गर्मी में इतना उमस हो रखी है, इतनी ज़्यादा गर्मी में एसी में भी कुछ नहीं हो रहा है, तो कम से कम इन बेचारों को यहाँ तो राहत मिल जाती थोड़ी सी। ओहो वेरी गुड, तेरी भैंस की आँख, इनकी भैंस की आँख, कुछ ना कुछ। दिल्ली के रोड बड़े ही ख़राब, ये यहाँ का हनुमान मंदिर आ गया, ये बड़ा फेमस है हनुमान मंदिर, यहाँ की बड़ी मान्यता है। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए लाल किले, दिल्ली की जान लाल किला, और यहाँ ऐसी गर्मी में देखिए भीड़ के नज़ारा कितना अच्छा है। अभी लोग रोड पे, ये सामने मंदिर आपका बिरला मंदिर, घूमने में अच्छी जगह, लेकिन गर्मियों में नहीं, सर्दियों के अंदर घूमो मजे से। इधर हमारा लेफ्ट साइड पे लाल किला, और राइट साइड पे बिरला मंदिर, इधर चांदनी चौक, और हम भी कुछ टाइम में अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे, फिर अपनी शॉपिंग करते हैं। वैसे तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा गर्मी बाहर निकलने, क्योंकि मेरे सर में वैसे दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से, अब मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ, लेकिन जाना पड़ेगा, थोड़ी देर की बात है, फटाफट हम कर लेंगे अपनी शॉपिंग कंप्लीट, और फिर अपने निकल जाएंगे जल्दी से अपने घर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखिए चांदनी चौक का रास्ता, बड़ा ही अच्छा मनमोहक दृश्य आप लोगों को दिखाता हुआ, और ये हमारा लाल किला, सामने से लोग निकलते हुए ट्रैफिक नियमों के धज्जे उड़ाते हुए, बिल्कुल आंखें बंद करके इनकी भैंस की आंख करते हुए, अपनी जान जोखिम में डालते हुए। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने दिल्ली के लाल किला, और अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं हम।
जो हम मशीनों का आइटम हमें लेनी है, कुछ पार्ट कुछ टूल वगैरह लेने हैं, तो वो लेके आते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ कि गर्मी बहुत हो रही है, ज़्यादा देर हम गर्मी बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे, इसलिए जल्दी से फिनिश करके आता हूँ, फिर करते हैं कंटिन्यू। ओके सर, अभी हम टर्न लेने मुड़ रहे हैं, यहाँ लोग खड़े हैं, देखते हैं, देखिए कितना बुरा हाल है।